हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स बात करेंगे इस वीडियो में सी टेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023 के बारे में जी हाँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किया है और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका नेम गलत हो गया है है ना डी गलत हो गया है सब्जेक्ट गलत हो गया है कोड गलत भर दिए हैं तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे साथ ही साथ क्या जो है अपना सेंटर जो भी आपने चूज किया है क्या उसे भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप सभी के बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट्स आ रहा था तो हम कहेंगे हाँ और विथ ऑफिशियल आप सभी को इसमें पूरी जानकारी दी जाने वाली है और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि सीटेट की जो सेंटर है वो बढ़ाई जाएंगी या जा फिर जस का तस रहने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आपसे बस एक लाइक की उम्मीद करते हैं ठीक है लेट्स सी फ्रेंड्स आपने देखा होगा 2022 में जो आपका सी का परीक्षा हुआ और इसमें जो करेक्शन डेट दिया गया है ना तो सबसे पहले तो देखिए हम अभी इस नोटिस के बारे में जानेंगे सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसको आप कैसे कब और कैसे करेक्शन कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि सी टेट को लेकर है और सबसे पहली बात आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई से स्टार्ट होकर अगस्त मंथ तक चलेगी शिफ्ट वाइज आपकी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन मोड पे होंगी ठीक है और जो फॉर्म लास्ट डेट है वो छब्बीस तक आप इसमें जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है छब्बीस मई तक अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स आप सभी के लिए है ऑनलाइन करेक्शन को लेकर इफ़ एनी इन द पार्टी कूलर्स ठीक है अपलोडेड बाई द कैंडिडेट यहाँ दिया गया है उनतीस मई से लेकर ठीक है और दो जून तक जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं ठीक है यह ध्यान दीजिएगा उसके बाद से कहा गया है कि नो करेक्शन शैल बी अलाउड यानी कि उसके बाद से आप करेक्शन नहीं कर सकते अब देखिए करेक्शन में जो है आप सभी अपना ईमेल आईडी प्लस जो आपने नंबर फिलअप किया है उसको छोड़कर आप सब कुछ करेक्शन कर सकते हैं अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप अपने सेंटर को करेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं और करेंगे भी तो उसमें क्या रूल्स हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आपकी नोटिस जारी हुई थी सीटेट की 2022 में जो परीक्षा हुई थी और इसमें करेक्शन डेट को लेकर एक नोटिस जारी की गई सी बी एस ई द्वारा जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि आ, मतलब सुधार करने के लिए आप सभी को एक मौका दिया जा रहा है और इस अवधि के दौरान यदि किसी विशेष शहर में क्षमता उपलब्ध है यानी कि अगर आप करेक्शन कर रहे हैं और अगर आ, कोई शहर खाली है जहां आपको लगता है कि वहां से अच्छा तो यही बेटर है है ना मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स आप सभी को मौका दिया जाएगा इसमें साफ साफ कहा जा रहा है यदि किसी विशेष शहर में खाली जगह होता है सीटें वैकेंट होती हैं तो आप मतलब तो उम्मीदवार आज हम बात करने वाले हैं सी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है आप अपनी तैयारी को और बेटर करने के लिए इस बुक को परिचित कर सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आप सभी को प्रीवियस पेपर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेन और साथ ही साथ नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपको ये देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ चक्षु की सीटेड गाइड प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट की जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की भी बुक आती है जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सकते हैं तो अभी आप इस बुक को परचेज करिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अपनी पसंद का परीक्षा शहर भी बदल सकते हैं ठीक है थीके? और यह सुविधा भी पहले आओ पहले पावो के अंतर्गत ही होगा जैसे फॉर्म आपने पहले भरा है ना तो आपको सेंटर अपने ज़िले में ही मिल गया उसी प्रकार अगर आप करेक्शन करेंगे क्योंकि उनतीस तारीख से लेकर दो जून तक आ, कहा गया है उनतीस मई से लेकर दो जून तक तो अगर आप करेक्शन करते हैं तो उसमें भी ये होगा कि पहले आपको करेक्शन करना है अगर करेक्शन में देख लीजिए अगर आपको सीटें दिख रही हैं अगर आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छा तो इस सीट पे यानी कि यहाँ परीक्षा देना बेटर है तो आप अपनी सीटें भी बदल सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बाय मान लीजिए कि आपके ज़िले में खाली है तो फ्रेंड्स आप उसमें भी जो है आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं ठीक है अब बात यहाँ ये आ जाती है कि क्या सीटें बढ़ाई जाएंगी तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा आवेदन तिथि के दो तीन दिन बाद ही लगभग बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि पूरे सीट जो है फुल हो गए थे तो कही कहीं ना कहीं उम्मीद ये लग रही है कि सीटें बढ़ाई जाए और इसको लेकर जो है बातें चल रही हैं अब ये देखना है कि सी द्वारा इस पर फैसला क्या लिया जाता है जब तक ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हाँ आप सभी के पास एक मौका है ठीक है क्योंकि आप सभी के ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम सेंटर चेंज कर सकते हैं तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि अगर आ, किसी जिले में सेंटर खाली है अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन ये दिक्कत है कि वैकेंट रहनी चाहिए ठीक है और आप अपना नॉर्मली सेंटर चेंज कर सकते हैं तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा जैसे ही फॉर्म अप्लाई होता है और हाँ कैसे क्या होगा प्रोसेस क्या रहने वाला है सब कुछ आप सभी को इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक आप सभी के लिए क्योंकि सीटेट कैसे क्लियर किया गया है हम लोगों की तरफ से है ना और कौन सी बुक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साठ से सत्तर दिन है मिनिमम तो आपको तैयारी कैसे करनी है सिलेबस को कैसे कवर करना है है ना सौ परसेंट है तो उसमें अगर आप अस्सी परसेंट भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीटेट क्लियर कर लेंगे वो भी अच्छे नंबर से वन बाई फोर क्या है क्या सी टेट पर लागू होगा कि नहीं होगा सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए कोई भी अभी तक आपके मन में कोई भी क्वारी है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर